हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का विषय राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की पुस्तक ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और इस पुस्तक की इकाई 1 यानी कि प्रमुख अवधारणाएं और उसका अध्याय पहला न्याय। बच्चों, ये आपका जो अध्याय है या पाठ है न्याय, उसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और उसके कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ न्याय। बच्चों, अब आती है मध्यकालीन न्याय विचारधारा। हम इसकी दो विचारधारा यानी कि प्लेटो की विचारधारा, प्लेटो की न्यायिक विचारधारा और अरस्तु की न्यायिक विचारधारा हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी तीसरी विचारधारा पढ़ेंगे। तो तीसरी विचारधारा का नाम है मध्यकालीन न्याय विचारधारा। मध्यकाल परिवर्तन काल था, यानी कि जो मध्यकाल था वो क्या था, परिवर्तन काल था, जिसमें विचारक अलौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास ने कहा था, न्याय सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह पर उपस्थित हो, जो सभी जगह पर उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक, अनिवार्य यानी कि आवश्यक है, अनिवार्य है और निरपेक्ष विवेक है। और निरपेक्ष विवेक है यानी कि किसी का पक्ष लेने वाला नहीं है, निरपेक्ष विवेक है यानी कि सिर्फ न्याय का पक्ष लेगा और किसी भी यानी किसी भी शक्तिशाली या शक्तिहीन का पक्ष नहीं ले सकता, यह निरपेक्ष विवेक है। मध्यकाल में न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है और मध्यकाल में इस प्रकार इसको परिभाषित यानी कि न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने यानी कि जीवन गुजारने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, यानी कि जो उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, यानी कि जो उचित है और जो कानूनी रूप से वैध है। आधुनिक काल में न्याय की विचारधारा, तो हमने देखा प्लेटो की विचारधारा, न्यायिक विचारधारा और अरस्तु की न्यायिक विचारधारा, तीसरी हमने देखी मध्यकाल में न्यायिक विचारधारा। अब हम देखेंगे आधुनिक काल में न्याय की विचारधारा। आधुनिक युग में न्याय का अर्थ नियमों की पालना से, और आधुनिक अर्थों में क्या है, नियमों की पालना यानी कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना या उनका पालन करना ही क्या है, न्याय है। डेविड ह्यूम ने 1711 से 76 सर्वहित को न्याय का एकमात्र स्रोत माना है। सर्वहित यानी जो सभी के हित में हो, उसी को क्या माना है, न्याय का एकमात्र स्रोत माना है। जेरेमी बेंथम के अनुसार प्राकृतिक कानून जैसे शब्दावली अर्थार्थ यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है, यानी कि जो प्राकृतिक कानून जैसे शब्दावली वो क्या है, जो यथार्थ में जो मूल्य है ना कानूनों को, उनको क्या कर देती है, धुंधला कर देती है। आधुनिक काल में यह सर्वमान्य है कि सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, अर्थात अधिकतम लोगों को का अधिकतम सुख, और यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अधिक कमाता है तो वो अपने अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें खरीद सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जैसे कोई अपने योग्यता की जैसे किसी की योग्यता अधिक है और अधिक वो धन कमा सकता है तो वह कमा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन वो कानूनी रूप से सही कार्यों में नियुक्त होना चाहिए, यानी कि सही कार्य करे, ये नहीं कि अनुचित कार्य कर वे धन कमाए, जिससे और ऐसे अनुचित कार्य करे जिससे कि लोगों को हानि हो, तो ऐसा करेगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर वह सही है, कानूनी रूप से वह उचित है और तो वह मतलब कानूनी रूप से उचित है तो वह काम करके धन कमा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, मनुष्य स्वयं अपनी सुरक्षा चाहता है इसलिए मेरे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है, यानी कि मनुष्य क्या चाहता है, अपनी खुद की सुरक्षा चाहता है तो वह क्या करता है, ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेता है। आधुनिक युग में प्राकृतिक कानून की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता, और आधुनिक काल में क्या होता है, प्राकृतिक कानून की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई किसी को हानि पहुंचा देता था तो उसको क्या करते थे, कसम खिलवा लेते थे, 5 आदमी बैठते थे पंचायत में, उसको कसम खिलवाते थे तो वो सच बोल देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसी संकल्पना में विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि लोगों में लोग झूठ भी बोल देते हैं, क्राइम करके या अपराध करके झूठ भी बोल देते हैं, तो ऐसी संकल्पना में यानी कि प्राकृतिक कानून की संकल्पना में विश्वास नहीं
किया जाता है, बल्कि ऐसी न्यायिक संकल्पना में हित को स्वीकार करते हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर सर्वहित का लक्ष्य हो। और ऐसी न्याय संकल्पना में हित को स्वीकार करते हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी यथार्थ को सामने रखकर सर्वहित का लक्ष्य हो। सर्वहित यानी सबका हित रखने, सबका हित जिससे सदैव वह लक्ष्य हो। जॉन रॉल्स के न्यायिक सिद्धांत, अब देखते हैं हम जॉन रॉल्स के न्यायिक सिद्धांत क्या हैं। रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थियोरी ऑफ जस्टिस में लिखा है, समान वितरण, स्वतंत्रता के अवसर, यानी कि सभी को स्वतंत्रता के अवसर प्राप्त होने चाहिए, सभी को समानता के अवसर प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कोई किसी से भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेद किया जाए, उसमें उसमें विभेद किया जाए, उसको अलग अलग माना जाए। ऊंच नीच जाति जो होती है कि किसी को गरीब मतलब जो ऊंच जाति के लोग होते हैं वे गरीब लोगों, जो निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समान वितरण होना चाहिए, समानता सबको मिलनी चाहिए, विकास, धन और स्वाभिमान, तो इन सब में समान वितरण होना चाहिए। रॉल्स की दो धारणाएँ हैं, व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार हो, और व्यक्ति को क्या होता है, बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार हो, सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों का क्रमबद्ध वितरण हो, और सामाजिक तथा आर्थिक जो संबंध होते हैं उनका क्रमबद्ध यानी कि क्रमवाइज वितरण हो, जैसे कि ऊपर पहले छोटा बड़ा, इस तरीके से उनका वितरण हो। न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ हो, और न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को क्या हो, सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो। कई बार क्या होता है कि सरकार हमारे लिए बहुत सारी योजना चलाती है, मतलब जो गरीब लोगों के लिए योजना चलाती है, लेकिन क्या होता है उन जो योजनाओं का लाभ कौन ले लेते हैं, जो धनवान लोग या शक्तिशाली लोग होते हैं ना वो ले लेते हैं, और गरीब लोगों तक वह लाभ पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त, यानी कि जो वास्तव में जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं उन लोगों को सारे ज़्यादातर लाभ प्राप्त हो। अवसर की निष्पक्ष समानता हो, और योग्यता को ही, मतलब योग्यता को ही विशेष माना जाए, मतलब जाति धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, योग्यता को ही महत्व दिया जाए। जॉन रॉल्स उपयोगितावाद व्यवस्था अर्थार्थ अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्यायिक धारणा से सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह सिद्धांत अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। रॉल्स के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकतम स्वतंत्रता हो, सर्वहितकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हो, सर्वहितकारी यानी सभी का हित साधने वाली सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हो। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, अर्थात सबकी प्रगति के लिए सभी व्यक्ति एक समतल धरातल से अपनी प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, चेष्टा यानी अपेक्षा करना। रॉल्स समाज के लिए उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि लोग इन कानूनों को स्वतः ही मान लेते हैं, उसके लिए हमें इनको सिद्ध नहीं, या उनके लिए उनके सिद्ध नहीं पड़ता। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं तो हम जाते हैं तो हम रूलों को खुद ही फॉलो कर लेते हैं, जैसे नहीं जाना, रेड लाइट होती है तो, या फिर पुलिस वाला पकड़ लेगा, तो उन जो नियमों को हम स्वतः ही अपने अंदर अपना लेते हैं, अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं। न्याय के विविध रूप, परंपरागत रूप से न्याय की निम्नलिखित धारणाएं प्रचलित है, नैतिक न्याय, तो नैतिक जो न्याय है उसकी धारणा जो प्रचलित है वो हम देखेंगे, या फिर न्याय के विविध रूप। तो नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस, ये क्या होता है, व्यक्तियों के सदाचारी यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, तो सदाचारी आचरण को नैतिक न्याय कहते हैं, यानी व्यक्तियों के अच्छे आचरण को क्या कहते हैं, नैतिक न्याय कहते हैं। प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या है, नैतिक न्याय है। जैसे कि हमें पता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये हमें कोई बताता नहीं, अपने जिस माहौल में रहते हैं उसी से हम सीखते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, या किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो ये क्या है, हमारे आसपास के वातावरण से हमने सीखे हैं। और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस क्या है, कानूनी व्यवस्था भी न्याय के अंतर्गत ही आती है, और कानूनी व्यवस्था भी क्या होती है, न्याय के अंतर्गत ही आती है। नागरिकों द्वारा स्वाभाविक रूप से अनुसर किए जाने वाले सभी नियम और कानून इसी व्यवस्था में शामिल है, यानी कि नागरिकों के द्वारा मतलब स्वाभाविक रूप से अनुसरण किए जाने वाले सभी नियम और कानून इसी व्यवस्था में आते हैं, यानी कि
न्याय के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था भी आती है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई अपराधी है तो अपराधी कानून से डरेगा, ये नहीं कि वो अपने स्वभाव के उसके है उसको गुस्सा आ गया तो किसी को मार देगा या किसी की हत्या कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो उसे कानूनी रूप से वह अपराधी है और उसको उसकी सजा मिलती है। तो नागरिकों द्वारा स्वाभाविक रूप से अनुसरण किए जाने वाले सभी नियम और कानून इसी व्यवस्था में शामिल है। राजनीतिक न्याय, इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत यह माना गया है कि राज व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित यह व्यवस्था केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त किया जाता है। राजनीतिक न्याय मतलब सभी को समान अधिकार होने चाहिए। जैसे कि बच्चों हम नेता वगैरह खुद चुनते हैं, जैसे कि वह जनता में से जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुना जाता है, तो जनता को मतलब समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समान उसमें समान न्याय के अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि उन पर किसी का दबाव बना रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, दबाव बनाकर कोई उनसे चुनवा ले रहा है, वोट दिलवा ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्रदान करना राजनीतिक न्याय का अन्यतम गुण है और किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्रदान करना राजनीतिक न्याय का अन्यतम गुण है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं हो, व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन जीने की परिस्थितियां प्राप्त हो। क्या है सामाजिक न्याय की, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव ना हो, यानी कि लोग किसी को अगर कोई नीची जाति का है तो उसे उसके साथ गलत व्यवहार ना करे, और कोई अगर जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, लड़के लड़कियों में विभेद करते हैं, तो ऐसे भेदभाव ना हो, तो व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन जीने की परिस्थितियां प्राप्त हो और ऐसा माहौल हो, ऐसी परिस्थितियां हो कि वे अपना जीवन आराम से व्यतीत कर पाए। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय पर बल दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आर्थिक न्याय, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना आर्थिक न्याय का उद्देश्य है। आर्थिक संसाधनों का वितरण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार हो, यह व्यवस्था गरीब अमीर के बीच खाई को पाटने पर बल देता है। खाई को पाटने पर यानी कि उनके जो बीच की जो दूरियां हैं उनको समाप्त करने में, या उनके बीच में जो दीवार है उसको खत्म करने, यानी कई लोग तो अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा ही अमीर है, कोई गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, तो वो इस जो गैप है ना उसको भरने में या खाई को पाटने में बल देता है। तो बच्चों हमने पढ़ा पाठ न्याय। अब बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।